वड़कम। आज का जो हमारा डिश है वो साउथ इंडिया से रिलेटेड है, तभी मैंने नमस्ते नहीं किया, मैंने आपको वड़कम किया जो उनका स्टाइल है खाना बनाने का। ये जो डिश है बड़ा इंटरेस्टिंग डिश है। इस डिश के अंदर एक तो सबसे पहले हम लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, रीज़न बीइंग साउथ के अंदर कोई भी डिश जो होती है वो कोकोनट ऑयल से ही बनती है। आई जस्ट रन यू थ्रू द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आई एम यूजिंग बाय द टाइम द ऑयल जस्ट गेट्स मेल्ट। सो इस डिश का सबसे बड़ा की इंग्रेडिएंट जो है वो है रॉ मैंगो। एनीवे मैंगो इज इन द सीजन, आई डोंट नो व्हाई वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अल्फांसो मैंगो। एंड ओवर द ईयर्स व्हेन आई डू स्टडी अबाउट द फूड आई रियलाइज देर आर 1500 टाइप्स ऑफ मैंगो विच इज़ अवेलेबल जस्ट फॉर नॉलेज फॉर एवरीवन। एंड 230 मोर देन वेराइटीज इज ओनली अवेलेबल इन इंडिया। सो आई ऑल्सो कीप ऑन शेयरिंग दीज नॉलेज थिंग ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ आई रिसेंटली शेयर अबाउट मैंगो, दैट्स वाई एम टॉकिंग। सो मीन वाइल वी हैव द ऑयल हीटिंग अप, आई रन यू थ्रू द इन्ग्रीडियंट्स। वी हैव अनियंस, वी हैव टमाटो एज द साउथ इंडियन डिश इज देयर, सो राई एंड करी पत्ता इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रॉ मैंगो विच इज़ ऑलरेडी बीन चॉप, एंड ग्रीन चिली आई एम यूजिंग स्लिक एंड सीडलेस बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू मेक द डिश स्पाइसी एज डिश हैज अ ब्यूटिफुल टेस्ट ऑफ मैंगो एंड वी अलाउ मैंगो टू ओवर पावर द डिश रादर देन स्पाइस। आई ऑल्सो हैव बिट ऑफ अ लेमन विद मी विच इज स्लाइस्ड एंड फॉर द लेटर यूज बिकॉज वॉट हैपन लाइक समटाइम्स हमें यहाँ पे मैंगो इतना अच्छा मिलता नहीं है जो सार हो थोड़ा, तो अगर वो नहीं होगा सार वंस विल बी कम टू द एंड विल बी गेट टू नो, तो इसमें हम थोड़ा एंड में मैंगो ऐड करेंगे। नाउ ऑयल इज ऑलमोस्ट डन, वट विल डू विल जस्ट पुट लाइक हाफ अ टेबल स्पून ऑफ राई एंड प्लीज मेक श्योर वेन एवर यू एड करी पत्ता यू टेक अ स्टेप बैक, लोअर डाउन योर गैस फ्लेम अ बिट बिकॉज इट पॉप्स अप लाइक अ, जैसे घर पे कभी छोटी दिवाली में कोई पटाखे जलाता है। वंस दिस इज डन विल डू अ स्टर एंड करी पत्ता हमें इस तरीके से करना है कि ये जले ना, हल्का सा करी पत्ता होते इसके अंदर हम अनियंस डालेंगे। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनियन विल जस्ट स्टॉप इट्स कुकिंग अ बिट। अनियंस को इसमें आपने ट्रांसल्यूसेंट पकाना है, ट्रांसल्यूसेंट पकते ही इसके अंदर आपका टमाटोज ऐड होएगा विच इज द नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट डन है, ट्रांसल्यूसेंट हो चुका है। इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है विल ऐड दैट विच इज मैंगो और सॉरी टमाटो। एक्चुअली दोनों एक जैसा कटा हुआ है ना, तो रेड और मैंगो में समझ ही नहीं आया मुझे। एंड सेम टाइम पे आई विल ऐड माई ग्रीन चिली। ग्रीन चिली का इसके अंदर एक ट्रिक है, जो ग्रीन चिली का सारा जो फ्लेवर अगर इसमें आ जाएगा तो उसके बाद जब हम अपनी ग्रेवी को प्यूरी करेंगे तो हम ग्रीन चिली को बाहर निकाल देंगे। रीज़न बीइंग कि ग्रीन कलर जो है वो हमारी ये डिश का जो कलर आएगा येलो आएगा तो उसका कलर ख़राब कर देगी, तो इसलिए हम इसको प्यूरी करने से पहले इसको निकाल देंगे बाहर। तो ये जो हम करी बना रहे हैं ये बेसिकली तो फिश के साथ खाई जाती है, प्रॉन के साथ खाई जाती है, बट ट्रस्ट मी अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट बट वॉट आई फील इज लाइक यू कैन हैव इट विद कॉटेज चीज एंड यू कैन ऑल्सो हैव इट विद चिकन बिकॉज वी एट होम वी डजंट ईट विद आइदर फिश और आइदर प्रॉन्स, वी ईट दिस करी विद कॉटेज चीज वेन माई मदर वॉन्ट्स टू ईट एंड विद चिकन वेन आई प्रेफर बिकॉज आई फील द करी हैज ऑल द बैलेंस ऑफ टेस्ट टू गो विद कॉटेज चीज एंड टू गो विद चिकन एज वेल, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग अ करी। सो वंस यू गेट टू नो द करी यू कैन cook it with anything, either cottage cheese or whatever, fish or prawn, whatever you like to have. So now we are done with this also, tomato is almost done, so we'll add our spices which is turmeric. Yeah, turmeric ka pakna bahut zaruri hai, agar turmeric time to time nahi pakega to iska ek halka sa ek kachcha pan aata hai which is like fir wo kabhi jayega hi nahi. This is like a kitchen tip to the viewers that whenever we add salt and turmeric the gas has to go completely simmer and it's also advisable to add bit of a water to it. So once we add water we allow the
टमाटर एंड अनियंस टू कुक विथ द टर्मरिक बिकॉज वंस इट्स नॉट कुक इट हैज अ वेरी पर्टिकुलर रॉनेस टू द डिश विच हिट्स यू राइट हेयर टू द थ्रोट. एंड एक किचन के अंदर एक और एक फंडा है वॉट वी यूज इज लाइक क्लीन एज यू गो. रीजन बींग दैट ओवर हेयर इट्स कुकिंग माई वर्क इज ऑलमोस्ट डन सो आई जस्ट गैदर माई स्टफ टूगेदर एंड आई पुट इट ऑन साइड which I don't have to use and this we add here the mango which is again a key ingredient and then rest is almost done. Now I've only left with one dish which is coconut so I have my coconut with me and rest I clean as in I just take it off. So my area is also clean, it's not big bit of a mess and we'll just add bit of a water to it and we'll do the further cooking. So jaisa ki aap dekh sakte hain hamara curry almost pak chuka hai. So we'll just take this grinder and we'll just put in it. Gas humne band kar diya and iske saath bhi ek chota sa trick hai what I generally use. It's just that I don't add water to it when I'm stirring it. The biggest reason is I blend it with the coconut milk which is right there. The coconut milk which has all the flavor for the same. And jaisa maine aapko bataya tha we will take out the green chili out of it. So this is the green chili what we have taken it out. We'll add the coconut to it. That's it and we'll puree it hot and it's not advisable for to puree it hot at home. It's just that aap warm mein isko puree karenge to sahi hai. It's again a scientific logic that jab bhi koi cheez garam hoti hai wo bahut acche se puree hoti hai and the jar what I am using it's 100% proof to puree anything which is close to 90 degree of temperature so that's why it's pretty safe for us. So the technology what we are using. So just to call this jar is called the machine is called as Thermomix. So we will be puring and we'll show you the result next. जैसा आप देख सकते हैं हमने इसे प्यूरी किया है. प्यूरी करने का एक बेसिक प्लेन सिंपल रीजन है हम कभी भी कुछ खाना खाते हैं अगर खाना खाते हुए गले में यहाँ पे कुछ अटकता है तो उस खाना खाने का मजा नहीं आता. सिर्फ बिरयानी के अंदर आई पर्सनली डोंट लाइक क्लोव कमिंग इन टू माई माउथ बट आई डू लाइक फ्लेवर ऑफ क्लोव इन द बिरयानी. तभी फाइव स्टार होटल में जनरली हर एक चीज़ जो है मस्लिन क्लॉथ से बांध कर डाली जाती है. सो वी यूज़ द सेम सिंपल लॉजिक. यहाँ पे हमने इसको प्यूरी कर दिया है एंड जो प्यूरी है हम वो पैन पे डालेंगे जस्ट टू गेट अ क्लीन करी विच शुड गिव यू ऑल द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ द इन्ग्रीडियंट rather than the particular ingredient which is disturbing you. So this is almost ready over here and we'll do a final tasting for the curry as I have not added water to it. Jo main bata raha tha ki isme main khali coconut milk add karunga but if you think the coconut milk is overpowering you can still add water. There is no hard and fast rule ki isme pani jayega nahi but as I say ki I also look for the flavors in my food. अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोकोनट मिल्क है तो कोकोनट मिल्क का टेस्ट आना चाहिए. ग्रीन चिली है तो आना चाहिए कोकोनट. अगर ऑयल से हमने इसे कुक किया है तो उसका टेस्ट आना चाहिए. नाउ दिस इज ऑलमोस्ट रेडी. विल जस्ट स्विच ऑफ द गैस आर पैन एंड विल जस्ट पोर इन द करी. अगर आपको इसे ज़्यादा थिक नहीं खाना है तो आप वाटर एड इन कर सकते हैं और गार्निश यू कैन ऑलवेज हैव बिट ऑफ अ फ्राइड करी पत्ता जो इसका इन्ग्रीडियंट था थोड़ा सा राई. ये आपकी डिश रेडी है. सॉरी द करी विच इज़ देयर इट्स रेडी एंड एज आई सेड आप इसको राइस मालाबारी परांठा कॉटेज चीज़ चिकन फिश प्रॉन किसी के साथ भी चाहें तो आप खा सकते हैं. And trust me, it's one of the very palatable curry for Indian, as in especially for Delhiites, because lot of Delhiites doesn't like lot of coconut into their food and turmeric and
ऑल दोज इंग्रीडियंट विच जनरली कम्स फ्रॉम द साउथ विच स्पेशली द कोकोनट मिल्क एंड द कोकोनट ऑयल बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी पैलेटेबल फॉर डेली एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन हैव इट विद एनी थिंग सो दिस इज द करी विच इज देयर एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ अगेन आई विल से वनकम नॉट नमस्ते एंड माई नेम इज शेफ अनुज एंड आई एम फ्रॉम रोजियट हाउस सो दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो विच वी made for the users and I hope every one of you love the same and you'll try and cook at your home and we'll be waiting for every one of you to come down to the hotel and try our lovely food our lovely innovations what we keep on doing once the lockdown is over so we can tickle your taste bud with more food what we have done with the menus to the hotel thank you so much